गोंदिया जिले में तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण फैल रहा है। 3 सितंबर को 2 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु हो गई और 189 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जबकि 34 मरीज स्वस्थ होने से उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। बता दें कि जिन 2 संक्रमितों की मृत्यु हुई है उनमें आमगांव निवासी 62 वर्षीय वृद्ध का समावेश होकर उसे मधुमेह व उच्च रक्तदाब था। वहीं दूसरा संक्रमित 45 वर्ष का होकर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के बहर गांव का निवासी है, जिसे किडनी की बीमारी थी, जो उपचार के लिए गोंदिया के शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय में आया था, जिन्हें मिलाकर मृत्यु का आंकड़ा कुल 27 तक पहुंच गया है। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या 1930 हो गई है, जबकि 1045 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या 802 तक पहुंच गई है, जिनमें से 787 मरीजों का जिले में और 15 मरीजों का नागपुर में उपचार चल रहा है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।